नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी की पूर्व सीएम मायावती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी 175 करोड़ के ताज कॉरिडोर घोटाले की तलवार उनके सर पर लटक रही थी, तो अब वहीं उनके परिवार के भी काले कारनामे सामने आने लगे। मायावती के भाई भाभी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बड़ा खुलासा कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा, जिसके बाद मायावती के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोनों पर नोएडा में फ्लैट घोटाले का आरोप लगा है। खबर के मुताबिक जब मायावती यूपी की सीएम थी तो उनके भाई और भाभी को नोएडा के लॉजिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के बनाए अपार्टमेंट में 261 फ्लैट बहुत ही कम कीमत पर दिए गए। अखबार के मुताबिक सरकार दस्तावेजों की ऑडिट से ये गड़बड़ झाला सामने आया है। अखबार के मुताबिक मई 2023 में हुए एक ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि बाद में फ्लैट बनाने वाली लॉजिक्स इंफ्राटेक कंपनी दिवालिया हो गई। इससे मायावती पर भी उंगली उठने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो मायावती सरकार के दौरान कई घोटाले हैं जो अभी चर्चा में दिखाई दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साल 2007 में बीएसपी ने जब यूपी विधानसभा चुनाव जीता और मायावती सीएम बनी, तो मई 2010 में लॉजिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनी। दो महीने बाद जुलाई 2010 में लॉजिक इंफ्राटेक ने 2 लाख वर्ग फीट की जमीन का सौदा मायावती के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता से किया। इसके तहत नोएडा में ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट बनाया जाना था। जमीन का सौदा 2300 और 2350 रुपए वर्ग फीट पर किया गया। इसके एवज में मायावती के भाई आनंद कुमार ने 46.02 करोड़ और उनकी पत्नी ने 46.93 करोड़ की कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी। यानी सारा खेल गलत तरीके से खेला गया है। इसके बाद अखबार के मुताबिक इस सौदे के 3 महीने बाद नोएडा अथॉरिटी ने 22 अपार्टमेंट बनाने के लिए लॉजिक इंफ्राटेक से 24.74 एकड़ जमीन का सौदा कर लिया। इसके बाद 22 और 23 सितंबर 2012 को कंपनी ने अपने बनाए 2538 फ्लैट में से 2329 फ्लैट बेच दिए। कुल 8 टावरों में से जो 944 फ्लैट बने थे उनमें से 848 में लोग रहते थे, जबकि 14 टावर खाली थे। इन टावरों के लिए पजेशन कार्ड नहीं मिला था। अखबार के मुताबिक अप्रैल 2016 में आनंद कुमार और मायावती की भाभी विचित्र लता ने लॉजिक से इंफ्राटेक को 28.24 और 28.12 करोड़ का अग्रिम पेमेंट किया। इसकी एवज में आनंद कुमार को 135 और 126 फ्लैट का आवंटन कर दिया गया। इन फ्लैट की कीमत 46% कम राशि पर बिक्री का ये सारा खेल बताया जा रहा है। यानी जमीन जितने में बेची गई उसके हिसाब से फ्लैट की जो कीमत होनी चाहिए उससे सस्ते में आनंद कुमार और विचित्र लता को सैकड़ों फ्लैट आवंटित किए गए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सुझाव दिया गया कि आवंटन प्रक्रिया में कुछ मिस प्रेजेंटेशन या धोखा शामिल है। अखबार में छपी इस खबर ने साल 2024 के चुनाव से पहले मायावती सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि इसका लोकसभा चुनावों में कितना बड़ा असर दिखाई देता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।